बड़ी अपडेट जो आज सावन का दूसरा सोमवार है और काशी विश्वनाथ में भक्तों की लंबी कतार लगी। सुबह 4 बजे से ही भक्तों के लिए बाबा के कपाट खोल दिए गए। रात से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी। ये भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए। बैरिकेटिंग कर भक्तों को प्रवेश दिया जा रहा है। गदौलिया से विश्वनाथ मंदिर तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। आपको बताते चले जहां आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस बीच बाबा भोले की नगरी काशी में बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे और अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे। बहरहाल यहां पर जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और यहां पर उसी तरह से पुलिस प्रशासन भी तैनात किया गया कि किसी भी तरह से जो अव्यवस्था है वो ना फैले और शांतिपूर्ण तरीके से जो भक्त श्रद्धालु है यहां पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए वो कर सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे अभेंद्र से। अभेंद्र, बाबा भोले की नगरी काशी में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं आज, क्योंकि भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और आज सावन का दूसरा सोमवार है। जी बिल्कुल, जैसा देखिए आज बाबा का दर्शन करने के लिए और यह है, यह रेलवे स्टेशन पर आते हुए देखी गई है, लोग पैदल यहाँ आ रहे हैं बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए। 4 बजे बाबा का श्रृंगार करने के बाद कपाट खोला गया, उसके बाद कुछ प्रसा कर मंडलायुक्त यहाँ पर कुशल शर्मा और डीआईजी यहाँ पर खुद लोगों का कुछ वर्षा कर चुका स्वागत किया, उसके बाद लोग लगातार यहाँ दर्शन कर रहे हैं। इस बार की गई है, इस बार उनके लिए अंदर लिया जाए। व्हीकल जोन घोषित किया है हमारे यहाँ पर की बात करें तो काफी तैनात है, दर्शकों को दिखाने जाएंगे बैरिकेडिंग लगी हुई है, पूरा बल तैनात किए गए हैं और जिस तरह से देखिए पूरी लंबी कतारें लगी है, सब लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं आने के लिए। हमारे यहाँ कुछ दर्शक से बात करने मत किया, कहाँ से आई है, कहाँ से आई है, कितना देर टाइम में लगी, 1 घंटा हुआ। आज सावन का दूसरा सोमवार है, आप लोग आई कितनी देर से लाइन में लगी है, 2 घंटे से। किसी तरह की कोई सुविधा, कहाँ से आप, कहाँ से आए, छत्तीसगढ़ से आए, आप कितनी देर से लाइन में लगे, लोग लाइन में लगे हैं, आप बाबा के दरबार से आ चुके हैं, घंटे में और दर्शन आप जाएंगे, हो जाएगा तुम्हारा काफी बिल्कुल बहुत रहता है। तो देखिए जो है यहाँ पे लोग जिस तरह से बता रहे हैं कि जिस तरह से दर्शकों ने कहा कि 8 से 12 घंटे तक कतार भी लगे थे, उसके बाद प्रसन्न हुआ की सब व्यवस्था की गई है, किसी भक्तों को किसी प्रकार की सुविधा ना हो। बिल्कुल, अगर यहाँ पर और भी ज्यादा बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर और व्यवस्थाएं रखी गई है जिस तरह से शांतिपूर्ण दर्शन कर सके, और कहाँ तक नो व्हीकल जोन रखा गया है? यह देखिए बिल्कुल पास गिरजाघर है वहां से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जगह जगह हर जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि सुविधा ना हो, और यहाँ पे कुछ श्रद्धालुओं को इसे रोक कर भेजा जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को काफी यहाँ पे अधिक किसी तरह की समस्या ना हो, और यहाँ पे मंदिर प्रशासन की तरफ से भी कर्मचारी को तैनात किया गया है जिस तरह से हम दर्शन करते हैं। आज वहाँ 5 से 6 लाख लोग आज शाम तक रात तक दर्शन करेंगे, आंकड़ा आ रहा है अभी करीब 1 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं, अनुमान चाहिए श्रद्धालु आज यहाँ लाइन चल रही है और भी श्रद्धालु भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से कहेंगे भाई साहब आप कहाँ से आए, कैसे कितना देर तक कार में लगे रहा, कितनी देर से लगे, कैसी व्यवस्था है, तो इस तरह से लोग इस बार देखिए टूट कर रहा है कि व्यवस्था इस तरह से कहीं की व्यवस्था से तो संतुष्ट है, इसको लेकर व्यवस्था
बिल्कुल अभेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, काशी में दर्शन कराने के लिए।